नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। उत्तर प्रदेश दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की हुई समीक्षा। बुढ़वा मंगल के दिन श्रद्धालुओं ने चढ़ाई बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी, उमड़ा जन सैलाब। शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर चौराहे पर बने मधुबन कॉम्प्लेक्स में 5 दुकानों में ताला तोड़कर चोरों ने किया हाथ साफ। पूर्व सेनानियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। दलित जोड़ो अभियान समिति ने मनाया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया का 73वां जन्मदिन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के टर्म लोन योजना के धनराशि को समय सीमा में वापस करें लाभार्थी। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड के संबंध में 27 जनवरी तक एडीएम सिटी कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं बयान। विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती। मतदाता सूची में 31 जनवरी तक करा लें त्रुटिपूर्ण नामों का संशोधन। गोरखपुर कोषागार से पेंशनधारियों को 27 जनवरी तक आयकर आगणन मेमो को प्रस्तुत करने का फरमान हुआ जारी। और पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट चेकिंग अभियान में बिना टिकट यात्रा करते 333 यात्रियों से वसूला गया 1,60,045 रुपया जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। यूपी दिवस कार्यक्रम की तैयारी बैठक एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों को दायित्व सौंपी गई। एडीएम प्रशासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस पर 11 बजे से विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्वानों का भाषण होगा। एक जिला एक उत्पाद के लिए टेराकोटा का चयन किया गया है। इसके विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि उद्यान, गन्ना, स्वास्थ्य एवं सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल पांडे, अभिषेक गोयल, ज्ञान प्रकाश भदौरिया, आनंद सिंह, हिमांशु शेखर एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बाहर आपके प्रदर्शनी जिसमें टेराकोटा और बाकी जो आपके जो है सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रधानमंत्री भारत मिशन का कार्यक्रम है, एग्रीकल्चर का अपना प्रदर्शनी, स्वास्थ्य का, गन्ना विभाग का, सबके अपने उनके भी लगाते रहते हैं। और किसका हो सकता है विभागों में उत्तर प्रदेश की गौरवशाली प्रबुद्ध जनों की विचार गोष्ठी आयोजित की जाए। इसमें कुछ जो है चिन्हांकन करना पड़ेगा कि इनका जो है उद्बोधन या किनसे किनसे उनका व्याख्यान जो है कराएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी के आपको चिन्हांकन करना पड़ेगा, कुछ आपके जो जो अच्छे जो वक्ता होंगे। कौन सा पंडाल लगाएगा, मतलब लिखित रूप से रहेगा तभी हो पाएगा, वरना केवल जुबानी का माध्यम से कहा जाता जो है बना करके वही पूरा जैसे 26 जनवरी का जारी हो रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश दिवस में ये चीजें होंगी क्या पर रोक कर लेंगे। अरे तो व्यक्तिगत हो ही गया ना, अब इससे ज्यादा व्यक्तिगत किसे कहेंगे। जो जिम्मेदारी मिल गई वो अपना संपर्क करेगा गोरखपुर महोत्सव की तरह। इसमें डाल लीजिएगा दीक्षा भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा, ठीक है ना जी। और इसमें जो है 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक रहेगा ये कार्यक्रम, ठीक है ना। इसी दीक्षा भवन में विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, ठीक है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के लिए जो है संयोजक डीआईएस, पर्यटन अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी और डीपीआर साहब,
इसमें डाल दीजिए, आपको बोल देगा विचार गोष्ठी में डालिए आप लोग इसको और कुल सचिव डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डाल दीजिए और उनके व्यवस्था अधिकारी को भी डाल दीजिए। अच्छा महाप्रबंधक है, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री, ये हो गए, ये जो है स्पेशली रहेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए और बाकी लिख दीजिए जो विभागों की प्रदर्शनी के लिए पीडी साहब को कर दीजिए। मंगलवार को बुढ़वा मंगल होने की वजह से गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु सुबह से ही पंक्तिबद्ध कतारों से खड़े होकर अपने अपनी बारी का इंतजार करते रहे और जब बारी आई तो उन्होंने आस्था की खिचड़ी बाबा गोरखनाथ के चरणों पर अर्पित की। इस मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस महकमे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। महिला और पुरुषों के अलग अलग लाइन होने की वजह से किसी को भी किसी की तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और सब ने बड़े आराम से बाबा के समक्ष जाकर माथा टेका। आप लोगों के सुखद मंदिर दर्शन के लिए सुरक्षा कर्मी भाई सभी लोग आप लोगों की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। आप सभी धीरे धीरे अपनी लाइन में आगे बढ़ते रहे, बीच बीच में मोटा मोटा चौपट लगा है उसका भी आप लोग ध्यान दें, धीरे धीरे उसको आप लोग देख करके आगे बढ़े जिससे पैर में चोट ना लगे। धैर्य के साथ आप लोग घबराए नहीं, माताएं एवं बहनों से अनुरोध है आप सभी अपने लाइन में आगे बढ़ते रहे, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। सरकार का ध्यान करें, बड़ा ही दुर्गा मंगल आप सभी जानते हैं, इस मंदिर की परंपरा के अनुसार आज का यह दिन आस्था और विश्वास के साथ आप लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहे, कहीं पर किसी प्रकार की असुविधा आप लोगों को नहीं होगी। धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऊपर से भगवान भास्कर जी का और धरती पर भगवान गोरखनाथ जी का थाना क्षेत्र के राप्ती नगर चौराहे के मधुबन कॉम्प्लेक्स में 5 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की गई। कपड़े समेत नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया।
दुकान का नाम मोबाइल नंबर इनका बताओ, रिजन का वही डाल दीजिए जो है, तुम्हारा कितना 500 नहीं तुम्हारा वो पैसा ताला आधा आधा शटर खुला था, आधा आधा शटर पक्का ये रख दो ताला, वो चेक ले रखो तो सामान सब संभाल ले जाते हैं, सिर्फ पैसा ले जाने वाले, जितना पैसा पाए 5 साल पैसा, वो तो लौंडे रहेंगे तो करेंगे क्या, रेडियो ले जाएंगे, पॉइंट ले जाएंगे उसका तो, लेकिन ये भी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 121वीं जयंती के अवसर पर ही पूर्व सैनिक सेवा परिषद और वीर सेनानी कल्याण संगठन के सदस्य ने नेताजी की जयंती मनाई। संगठन के सदस्यों ने सुबह पेड़लेगंज चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। इस दौरान संगठन के सदस्य ने जय घोष के नारे भी लगाए। इस अवसर पर कर्नल रामाश्रय मिश्रा, कैप्टन ओम प्रकाश यादव, सूबेदार मेजर ओम नाथ मिश्र, अर्जुन सिंह, डॉक्टर शशि भूषण सहित कई पूर्व सेनानी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्नल रामाश्रय मिश्रा ने कहा, ऊपर है कैसे बन रहे,
माता की जय, भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े सेनानी रहे हैं, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता के लिए नया जीवन दिया था, उनकी 121वीं जन्म शताब्दी मनाने हैं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और हर साल ऐसी चीज़ें मनाते हैं। जी के को फूलमाला पहनाए, वो अपनी श्रद्धा अर्पित किए, श्रद्धांजलि दिए और एक राह करके देश की सेवा करने का हम लोगों ने वचन दिया, ये शपथ। दलित जोड़ो अभियान समिति के सदस्यों ने मंगलवार को चारू चंद्रपुरी स्थित कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पी एन पुनिया का 73वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर समिति से जुड़े लोगों ने पी एन पुनिया के चित्र के सामने केक काटकर एक दूसरे को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी। इस अवसर पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के मंडल संयोजक राजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद, प्रदेश प्रवक्ता अनिल सोनकर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व प्रदेश समन्वयक महेंद्र पाल, एस ए रहमान, डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुरहिता करीम सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं, बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड गोरखपुर से अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व बेरोजगार लाभार्थियों को 1990-91 से लेकर 2005 तक विभिन्न व्यवसाय हेतु टर्म लोन व मार्जिन मनी उपलब्ध कराए गए थे। उन लोगों द्वारा आवंटित धनराशि की वापसी मामूली किश्तों में 60 महीने के भीतर निगम को की जानी थी। नियत समय पर किश्तों के माध्यम से धनराशि वापस करने से मात्र ब्याज का भार लाभार्थियों पर पड़ता है, परंतु 60 मासिक किश्तों से ऋण वापसी न करने के कारण लाभार्थियों पर ब्याज के साथ साथ दंड ब्याज भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में 1990-91 में लिया गया कर्ज न चुकाने के कारण आज बढ़कर कई गुना हो गया है, जिस पर प्रति माह ब्याज के साथ साथ दंड ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। विभिन्न बैठकों में शासन द्वारा टर्म लोन योजना के फिर से शुरू किए जाने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में आवश्यक है कि पहले दिए गए ऋण को वसूल किया जाए। इसी क्रम में प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण की ओर से जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र बकाया लोन की वसूली कर निगम को जमा कराएं। उक्त के अनुपालन में ऋण वसूली हेतु ऋणकर्ता को नोटिस प्रेषित की जा रही है, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि ऋणकर्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित नोटिस पता सही होने के बावजूद ऋणकर्ता इस पते पर नहीं रह रहा है, अन्य बहाना बनाकर नोटिस वापस कर दिया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी नगर रजनीश चंद्र ने बताया है कि बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 8 जनवरी 2018 को हुए अग्निकांड से संबंधित जाँच जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेशानुसार मेरे अध्यक्षता में संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति साक्ष्य और बयान देना चाहते हैं वो अपर जिलाधिकारी नगर के कार्यालय में 27 जनवरी 2018 तक कार्यालय कार्यवधि में उपस्थित होकर बयान दर्ज करा सकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की।
76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू चेतना मंच द्वारा मंगलवार को पैडलेगंज चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने पैडलेगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत माता के जयकारे के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर जितेंद्र हिंदू, आशीष हिंदू, सुमन हिंदू, विजय हिंदू, प्रभात हिंदू सहित कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंच के रघुवंशी हिंदू ने कहा, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 121वीं जन्मतिथि है। इस 121वीं जन्मतिथि पर हम लोग 121 फीट तिरंगे के साथ हम लोग नेताजी के जन्मदिन मना रहे हैं। नेताजी इकलौते विश्व के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं विश्व में अपनी अलग जगाई थी उस समय जब संसाधनों की कमी थी। और आज भी एक ऐसे क्रांतिकारी वो हैं कि जिनका आज तक कोई भी शहीद और किसी भी प्रकार के मृत्यु का प्रमाण नहीं है। इसलिए नेताजी विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेना नायक कहिए, सर्वश्रेष्ठ नायक कहिए, सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी। उनकी जन्मदिन मनाने के लिए हम एक शब्द ही कहेंगे उनको कि शहीदों को जो करना नमन छोड़ दे, कह दो कि मेरा वतन छोड़ दे, भारत की संस्कृति जिसे प्यारी नहीं वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। जय। त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के निर्वाचन के दृष्टिगत कपितय कारणों से पात्र व्यक्तियों के छूटे नामों का मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने, त्रुटिपूर्ण नामों का संशोधन किए जाने, अपात्र व्यक्तियों के नामों को विलोपित किए जाने के लिए 23 जनवरी से 31 जनवरी 2018 तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ये जानकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दी है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जाँच कर उनके निस्तारण करते हुए परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की पूरक सूची तैयार किए जाने की कार्यवाही 12 फरवरी 2018 तक प्रत्येक दशा तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। गोरखपुर कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर आयकर आगणन मेमो तथा धारा 80C के अंतर्गत बचतों का विवरण जमा कर लिया जाए। ये बातें मुख्य कोषाधिकारी डॉक्टर एन केधर द्विवेदी ने कही है। उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंतिम त्रैमास चल रहा है तथा इसी अवधि में नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती अंतिम रूप में किया जाना है, जबकि आयकर की कटौती हेतु मात्र दो ही माह जनवरी एवं फरवरी 2018 की पेंशन अवशेष है। मुख्य कोषाधिकारी ने आयकर की परिधि में आने वाले समस्त पेंशनर्स से अनुरोध किया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का आयकर आंकलन मेमो तथा धारा 80C के अंतर्गत बचतों की सूचना प्रमाणित छायाप्रति के साथ तथा पैन कार्ड की छायाप्रति प्रत्येक दशा में 27 जनवरी 2018 तक कोषागार में संबंधित सहायक को उपलब्ध करा दी जाए, अन्यथा पूरे वित्तीय वर्ष की पेंशन का आंकलन कर नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती कर ली जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आलोक सिंह के निर्देशन में टिकट बिक्री एवं आय में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर रेलवे में लगातार टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर से पिपराइच और गोरखपुर से मऊ रेलखंडों में विशेष टिकट जांच अभियान आयोजित किया गया, जिसमें 333 बिना टिकट वाले यात्रियों से किराए एवं जुर्माने के रूप में 1,60,045 रुपया रेल राजस्व की वसूली की गई। इस अभियान को सफल बनाने में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक दस्ता एवं रेलवे सिविल डिफेंस कार्यकर्ता तथा वाणिज्य विभाग के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। बिना टिकट यात्रा की रोकथाम एवं टिकट बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार के अभियान निरंतर जारी रहेंगे। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। उत्तर प्रदेश दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की हुई समीक्षा। बुढ़वा मंगल के दिन श्रद्धालुओं ने चढ़ाई बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी, उमड़ा जन सैलाब। शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर चौराहे पर बने मधुबन कॉम्प्लेक्स में 5 दुकानों में ताला तोड़कर चोरों ने किया हाथ साफ। पूर्व सेनानियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन।
दलित जोड़ो अभियान समिति ने मनाया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया का 73वां जन्मदिन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के टर्म लोन योजना के धनराशि को समय सीमा में वापस करें लाभार्थी। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड के संबंध में 27 जनवरी तक एडीएम सिटी कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं बयान। विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती। मतदाता सूची में 31 जनवरी तक करा लें त्रुटिपूर्ण नामों का संशोधन। गोरखपुर कोषागार से पेंशनधारियों को 27 जनवरी तक आयकर आगणन मेमो को प्रस्तुत करने का फरमान हुआ जारी। और पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट चेकिंग अभियान में बिना टिकट यात्रा करते 333 यात्रियों से वसूला गया 1,60,045 रुपया जुर्माना। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।